गाइस, होप यू डूइंग ग्रेट टुडे। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वन ब्रांड हॉल। तो मैंने जो भी चीजें मंगवाई हैं वो सारी एक ही ब्रांड की हैं, और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो एक किसी भी बिगिनर के पास तो होने ही चाहिए, और इनसे आप एक आराम से एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर फैंसी प्रोडक्ट्स, राइट? जो बेसिक मेकअप है आप इनसे आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर अवेलेबल हूँ विद द सेम नेम, हॉल्स एंड रिव्यूज। तो अगर आपने मुझे वहां फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ढेर सारे DIYs, रील्स वगैरह देखने को मिले। तो गाइस, चलिए अब बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है एक आई शेडो पैलेट, स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। मैंने पहले भी मंगवाया हुआ है एंड आई रियली लाइक द वे द पिगमेंटेशन इट प्रोवाइड्स। तो मैंने इसे परचेज किया है। ये 12 शेड्स है इसके अंदर, और दे आर रियली गुड शेड्स। यहाँ पे ये जो मेरा बॉक्स है ये 05 है, द पैलेट नंबर इज 05, और ये बहुत खूबसूरत पैलेट है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, इसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको स्वॉच करके दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके का आता है एंड दिस इज ब्यूटिफुल, आई रियली लाइक इट। सारे प्रोडक्ट जो मैं अब आपको दिखाऊंगी ये सारे मिलाकर 1000 से नीचे के प्रोडक्ट्स हैं। तो दीज आर क्वाइट अफोर्डेबल एंड दे आर गुड टू यूज़। स्विस ब्यूटी का मैंने पहले भी यूज़ किया है एंड आई रियली लाइक्ड देयर टेक्सचर एंड पिगमेंटेशन। सो ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज किया है। सो गाइस, दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है एक इल्यूमिनेटर। ये है स्विस ब्यूटी का ही पर्ल इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर का काम क्या होता है, ये बेसिकली आपके स्किन को थोड़ा ग्लोई बनाता है। जो मेकअप आप कभी कभी देखते होंगे, बहुत सारे मॉडल्स जब मेकअप पुट ऑन करते हैं तो उनकी पूरी स्किन एक अलग तरीके से शाइन कर रही होती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इल्यूमिनेटर। मैं इसका एक अलग से वीडियो आपको दिखाऊंगी और मैं लगा के दिखाऊंगी कि इल्यूमिनेटर आपकी स्किन को किस तरीके से, आपके मेकअप को, आपके फेस को किस तरीके से हाईलाइट करता है, ठीक है? तो दिस इज अ पर्ल इल्यूमिनेटर एंड दिस इज फ्रॉम द कंपनी स्विस ब्यूटी। ये सारे सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है गाइज, जो भी थे ये सारे बहुत ही ऐसे रेंज में है जो आप कोई भी परचेज कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने अगला प्रोडक्ट क्या मंगवाया है। सो गाइज, जो अगला प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है एक ब्लेमिश बाम। दिस इज अ बेसिकली अ बीबी क्रीम एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी। तो इसका जो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनको सीबम सिक्रीशन ज़्यादा होता है, मैं कह सकती हूँ जैसे जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड दिस विल कीप रेगुलेटेड योर सीबम सिक्रीशन, उसको कंट्रोल में रखता है। तो मैंने इसे परचेज करा है एंड वेरी सून आई विल शो यू। ये 01 में है, ये 01 शेड है जो मैंने परचेज किया है। तो अभी मैं इसे लगा के दिखाऊंगी आपको कि ये कैसे हमारी स्किन को पे सीबम को कंट्रोल करता है एंड हाउ गुड योर फेस लुक्स व्हेन यू अप्लाई द स्क्रीम, ठीक है? तो इसको हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे एंड आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू कैसा ये वर्क करता है, राइट? सो गाइस, जो अगला प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है एक लूज फॉइल पिगमेंट। ये एज एन आई शेडो आप यूज कर सकते हैं या आप इसे एज अ शिमर भी यूज कर सकते हैं, बॉडी शिमर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये पाउडर फॉर्म में है और ये इस तरीके का दिखता है। ये पाउडर फॉर्म में है एंड थोड़ा सा गोल्डन टच वाला है। इसके और भी कलर्स आते हैं तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। इसकी मैं इसका लिंक डाल दूंगी, अगर आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपको और भी इसका डिफरेंट कलर्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको यू नो सिल्वर लेना हो तो आप सिल्वर भी परचेज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अपॉन यू। मैंने ये थोड़ा गोल्डन वाला परचेज किया है और दिस इज इन दी पाउडर फॉर्म। मेरे पास पेंसिल आई शेडो भी है, मेरे पास पाउडर फॉर्म में भी है एंड जेल वाले भी है मेरे पास। तो इट डिपेंड्स मैं कितनी जल्दी में होती हूँ। कई बार ऐसा होता है आपके पास वक्त की बहुत कमी होती है तो पाउडर फॉर्म वाले को थोड़ा सा यू नो मिक्स करने में या ब्लेंड करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं पेंसिल वाले यूज़ करती हूँ और वो फटाफट से ब्लेंड हो जाता है। और मैं NYBay का यूज़ करती हूँ। NYBay का बहुत ही अच्छा आता है पेंसिल आई शेडो। और ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में उसे यूज़ करें, अगर आप बिगनर भी हैं और आपको आई शेडो अप्लाई करना है तो आप NYBay के पेंसिल लाइनर्स या किसी भी कंपनी के यू नो पेंसिल आई शेडो आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी कंपनी आपको सूटेबल हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट टेक्स यू नो सेकेंड्स, आपको बस लगाना है एंड इट गेट्स वेरी इजली ब्लेंडेड। और जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको थोड़ा वक्त लगता है ब्लेंड करने में। तो अगर आपके पास एम्पल टाइम है, आप शादी में जा रहे हैं और आपको बहुत देर तक मेकअप रखना है तो इट्स बेटर यू यूज़ दिस काइंड ऑफ यू नो पाउडर्ड आई शेडो। आप पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं उसके केस में और वो ज़्यादा स्टे करता है। गाइस, जो आखिरी प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है स्विस ब्यूटी का वो है एक यू नो लिप स्टेन मैट।
दिस इज इन मैट, एक लिप स्टेन है इन द शेड रेड वाइन, 2-4 है इसका शेड, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है, एक स्वॉच में इतना अच्छा पिगमेंटेशन ये देता है। एंड ये है रेड वाइन, इफ यू कैन सी राइट हियर, 2-4 द शेड। नाउ बिगनर है तो आपके लिए पेंसिल फॉर्म ऑफ मेकअप यूज करना इज वेरी कन्वीनियंट, दिस इज माय ओपिनियन। मुझे ऐसा लगा कि पेंसिल जो चीजें होती है उसको यूज करना इजी हो जाता है, और जब आप सीख जाते हैं थोड़ा तो फिर आप पैलेट्स यूज कर सकते हैं, मेकअप पैलेट्स यूज कर सकते हैं, या आपको फिर आप कोई भी एक्चुअली यूज कर सकते हैं। बट इट डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ योर हैंड, क्योंकि हाथ अगर आपके शिवर करने लगेंगे तो मेकअप खराब हो जाता है ना, थोड़ा सी चीजों को फिर आपको फिर उसे वापस मेकअप को हटा करके फिर आपको लगाना होता है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आप कहें तो आप एक पेंसिल वाले मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, बीड अ पेंसिल लिपस्टिक और पेंसिल आई शेडो, पेंसिल आई लाइनर, क्योंकि उसे होल्ड करना थोड़ा ईजी हो जाता है और आप आराम से लगा सकते हैं। गाइज इन सभी प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो आप ये परचेज कर सकते हैं या इससे मिलता जुलता कोई और प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं लिंक के थ्रू। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग 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 थम्स अप, एंड इफ यू आर अ न्यू विजिटर टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपलोड्स ऑन माय चैनल। And if you want me to review a product of your choice, you can also mention that in the comment section below. I will definitely get back to you as early as possible. Until then, stay safe. Hope you have a great day. Bye-bye.